नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पनियारा क्षेत्र में रविवार को भगवा झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। बरकदवा ग्राम सभा में नवरात्रि के आगमन को लेकर ग्रामीण एक चबूतरे पर लगे पोल पर भगवा रंग का झंडा लगा रहे थे। हालांकि उस पोल पर पहले से ही दूसरे समुदाय का झंडा लगा हुआ था। गांव की ही एक महिला ने झंडा लगाने वाले व्यक्ति को गाली गलौज देने लगी, जिसके बाद झंडा लगाने वाले लोग उस महिला का विरोध करने लगे। मगर देखते ही देखते इस छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। कुछ लोग झगड़े को बढ़ावा देने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी गांव पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे बवाल और हिंसा पर 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में 13 लोग नामजद हैं और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।